एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने एक मॉल में स्थित कैफे पर छापा मारा। हालांकि टीम के वहां पहुंचने की खबर कैफे मालिक को पहले ही लग गई थी, जिसके कारण कर्मचारी कैफे बंद कर वहां से फरार हो गए। उत्तराखंड के काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने एक मॉल में स्थित कैफे में छापा मारा, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही कर्मचारी कैफे बंद कर वहां से फरार हो गए थे। ऐसे में टीम ने मॉल के मैनेजर को सख्त हिदायत दी कि वो कैफे संचालन में पारदर्शिता रखें। ऐसा ना करने पर कैफे नहीं चलने दिया जाएगा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इंचार्ज बसंती आर्य ने कहा कि पिछले काफी समय से मॉल में स्थित कैफे की आड़ में अनैतिक कार्य करवाए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण ये परिवार के साथ खरीदारी करने आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद यहां पर छापेमारी की गई। ये कंटिन्यू अभियान चलता रहता है, बीच बीच में हम चेकिंग करते रहते हैं चैनल में। और आज एसआरएस मॉल काशीपुर में बहुत दिन से शिकायत मिली है कि यहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग संबंधित काम हो रहे हैं, और जो कैफे पे चल रहे हैं उसमें पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जिससे यहाँ पर जो आते हैं लोग मॉल में अपने बच्चों के साथ उनमें ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो इसमें हमने आज छापामारी करी यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ और लेबर डिपार्टमेंट वगैरह हमारे साथ में। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।